ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਬਰਦਾਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਲਮ ਸ਼ਰਮਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਉੱਪਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੈਸ਼ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਪ ਉੱਪਰ ਰਹੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਤਮ ਕਾ ਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ पंप के करिंदे परमजीत सिंह ने दसिया कि जदों वो थले सुते पई सी तां रात नूं 2:15 बजे स्विफ्ट कार विच तीन जने आए एक कार विच ही बैठा रहा ते कार स्टार्ट रखी हुई सी दो जने किरपाना लैके बाहर निकले ते जानों मारन की धमकी दी गई लुटेरे पंप तो 30,000 रुपये ते LED ते होर समान लैके फरार हो गए पुलिस कोलों मांग की गई है कि लुटेरिया नूं जल्द फड़िया जाए जे किसी होर पंप से अजी वारदात ना होवे। ये तस्वीरां तुसी वेख सकते हो किस तरह चोरी कर रहे ने सीसीटीवी कैमरे विच कैद हो चुकी है घटना खन्ना दियां ये तस्वीरां ने पेट्रोल पंप से चोरी दियां ये तस्वीरां ने सीसीटीवी कैमरे विच ये वारदात कैद हो चुकी है ते पुलिस कोलों मंग की गई है जल्द तो जल्द इंसाफ की मांग की गई है। खन्ना की एक खबर सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीर कैद हो गई ने पेट्रोल पंप से ये चोरी की वारदात हुई है रात को 2:00 बजे 20-25 मिनट से 3 बंदे आए उन्होंने साढ़े वर्कर सुते पे से उन्होंने खाल के मारकुट करके उन्होंने कैश खो के ले गए तो एक कंपनी का मॉडम लग्या होया सी उन्हें तोड़ के ले गए। कितने बजे की वारदात है ये 2:15-20 मिनट की गल है जी तकरीबन कितना कैश कितना लग गया कैश 25 से 30,000 रुपये तक कैश थी और की चोरी हुई थे कई बंद सट पेट तो नहीं मारी नहीं बंद सट पेट थोड़ी बहुत ही लगी है ज़्यादा नहीं लगी है होर की लगे कैश तो बिना कैश तो बिना एक तो इंटरनेट का ऑटोमेशन का एक पार्ट्स होंगे जी मॉडम वो लै गए जी तोड़ के ते एक मोबाइल चो सिम लै गए जी एक LED लगी हुई थी LED खोल के लै गए जी कि गड्डी आए थी वो स्विफ्ट गड्डी के आए थे हथियार की हथियार उन्होंने को कृपाना की तरह कोई तेज धार हथियार से एक बार कर दे थोड़ा जा मारिया पर लेकिन वो इन्नी सट नहीं लगी है ये रात को 3 जड़े आए मुंडे जिन्होंने हाथों के दातर वगैरह इन्हें सुते पे से बंद जे उठाया तो इन्होंने अंदर जो गले पैसे लै गए तो LED वगैरह ला के लै गए तो जी इन्हें फुटेज वगैरह ले ली आ तो जरा कानूनी कार्रवाई की जा रही है मुकदमा दर्ज करके बंदे अरेस्ट हो जाए। सरकारां वल्लों लखां दावे किए जा रहे हैं कि लड़कियां किसे तो घट नहीं है वो हर खेत्र में मल्ला मार रही ने पर लड़कियां नूं अजे भी दाज की बलि चढ़ाया जा रहा है जिसकी ताज़ा मिसाल वेखण नूं मिली नाभा ब्लॉक के पिंड पालियां दे विच जिथे 7 महीने पहला शरणदीप का विआह गुरतेज सिंह नाल होया सी शरणदीप अध्यापका की नौकरी करती सी पर बीते दिन शरणदीप की भेत भरे हालातों में मौत हो गई शरणदीप दे गल ते गहरे निशान भी पाए गए तो शरणदीप के परिवारक मैंबर ने दोष लगाए कि शरणदीप के सहुरा परिवार के पति वालों दाज लई उसनू तंग किया जाता सी दूजे पासे पुलिस ने मुलजमां खिलाफ केस दर्ज कर दिता है तो तफ्तीश शुरू कर दिती है। नवंबर 2020 शादी हुई सी जब तो यह सहुरा परिवार दाज लई तंग परेशान कर रहा सी जी कुटदा मारदा सीगा जी कुड़ी आके दस दी सी मैं उन्होंने कहिंदा बेटे एडजस्टमेंट कर इहदे संबंध च मैं सरपंच साहब ने 2-3 बारी कहा सरपंच साहब ने भी कहा भी पढ़े लिखे दोनों परिवार ने अब एडजस्टमेंट हो जूगी कोई नहीं अटको तुसी समा दो उदों समा दिन दिन आ चीज़ आ गई कुड़ी संदीप कौर सिंह इस रूप पिंड तो इहदा पिछले साल ब्याह होया सी नवंबर च दोनों मियां बीवी टीचर ने परसों आपके पेके भी गई सी कल दोपहर में किसी ने डेड बॉडी मिली किस हालात मिली डेड बॉडी से डेड ही सी नहीं कितने फाहा लता है फाहा लेके हाँ फाहा लेके सुसाइड किया घर ही अपने घर सहुरे परिवार
ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਆ, ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 100,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਹੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਬਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। बीते कुछ दिन पहला चिट्टा सेवन करने वाले तीन पुत्रों तो निराश पिता डीएसपी दफ्तर में पेट्रोल की बोतल लेके पहुंचा तो चिट्टा वेचण वाले खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उसके तीन लड़कियों तो पूछगिछ करनी चाहिए, जिथे उन्होंने चिट्टा मिलता है तो तस्करों खिलाफ कार्रवाई की जाए। बीते कुछ दिन पहला चिट्टा सेवन करने वाले तीन पुत्रों तो निराश पिता डीएसपी दफ्तर में पेट्रोल की बोतल लेके पहुंचा तो चिट्टा वेचण वाले खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उसके तीन लड़कियों तो पूछगिछ करनी चाहिए है, जिथे उन्होंने चिट्टा मिलता है तो तस्करों खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी पिता वालों की गई है। ये तस्वीर तुम वेख सकते हो किस तरह ये मांग कर रहे हैं। पिता डीएसपी दफ्तर के बाहर पहुंचा ते मांग कर रहा है कि नशा तस्करों खिलाफ कार्रवाई की जाए, सख्त तो सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। इसके तिने बेटे नशे के शिकार ने, जिस करके पुलिस तो एक गुहार लगा रहा है कि तस्करों खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो पुत्रों तो भी पूछगिछ की जाए कि जितों चिट्टा मिलता है वह पता लगाया जाए तो तस्करों खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। बरनाला विच पुलिस नू वड्डी सफलता मिली है। पुलिस ने एक चौल मिल ते सरकारी गोदामा विच बारदाना चोरी करन वाले 12 चोरां नू गिरफ्तार किया है, जबकि पुलिस ने एक घर विच दो बच्चियां तो 15,000 रुपए खोण दे केस विच 7 लोकां नू गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है ते अगली कार्रवाई शुरू कर दिती है। ਮਾਨਯੋਗ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 'ਚ ਮਾੜੇ ਅੰਸਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰਦਾਨਾ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਮਾਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੈਲਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਰੈਕੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ₹35,500 ਬਾਰਦਾਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਰੂਰ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਜਗਰਾਓਂ ਏਰੀਆ, ਰਾਏਕੋਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਏਰੀਆ ਚ ਕਾਫੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਫਤੀਸ਼ ਆਪਣੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਿਟੀ ਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਖੋਹ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 5 ਮੈਂਬਰ ਫੜੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚਿੱਟਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਭਦੌੜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੋਸਟਲੀ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ NDPR ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। जलंधर विच सोमवार नूं देर रात करियाने दी दुकान विच लुट करन आए लुटेरियां ने दो दुकान मालक नूं गोली मार दित्ती ते इस नाल जख्मी सचिन नूं निजी हस्पताल विच दाखल करवाया गया जिथे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके ते पहुंच के अगलेरी कार्रवाई शुरू कर दित्ती है। करियाने दी दुकान विच वड़ के लुटेरियां ने इस वारदात नूं अंजाम दित्ता। गोली मारी गई ते हस्पताल विच जदों भर्ती कराया गया दुकान मालक नूं उत्थे उसकी मौत हो गई। ये तस्वीरां तुसीं वेख सकदे हो, ये जख्मी हालत दीआं तस्वीरां ने, पर हस्पताल पहुँच के दुकान मालक दी मौत हो गई। मामला ये सर, मैं उधरों दुकान का टाइम 9 बज गए, अपना दुकान वधाउण का टाइम सीगा, तो मैं बाहर निकलिया, मैं देखिया सड़क पर लड़का पिया सी ते चीकां मार रही सी लेडीज़, तो जदों इनू मैं देखिया जाके इहदी हालत ठीक नहीं सी, तो इनू मैं उस टाइम इंसानियत के नाते मैं हॉस्पिटल जा ले जाना समझिया जरूरी, तो मैं हॉस्पिटल इनू पहले जोशी अपना अपना जिहड़ा टैगोर हॉस्पिटल पहले लैके गए हैं। टैगोर तो बाद असी इनू जोशी, उन्होंने कहा सत्यम लै जाओ, असं सत्यम लै गए, सत्यम तो बाद कहते जोशी लै जाओ, जोशी तो बाद सानू कहते अरमान लै जाओ, अरमान तो बाद कहते सिविल हॉस्पिटल लै जाओ। फिलहाल हूँ सिविल हॉस्पिटल भी शायद यदा ट्रीटमेंट नहीं उन्होंने मिल रहा, तो मे बी हूँ अगर नैक्सट फरदर उन्हों की की सचिन नाम है जी, सचिन जैन मुंडे का नाम है ये सर। अली जरा छोटा अली मोहल्ला बोली तेल वाली गली जी है उत्थे का रहने वाला। 8:30 बजे 9 बजे घर जो अपना दुकान जरा बंद कर लगा सीगा, मीन टाइम 2-3 कु मुलाजम बंदे आए जे जिन्होंने मूँह जोड़े आप पाए थे मास्क रुमाल बने से, उन्होंने ये को पैसे मंगे, थोड़ा रिवोल्ट किया भी मैं नहीं ये कम करना, जो उन्होंने अपने ये फायर मारे जोड़ा ये छाती से लगा हूँ जो इतने सिविल हॉस्पिटल है, ये आप बोलते रहा वा पर ज़्यादा नहीं मतलब गल दस रहा, हूँ इन असं जो जौल हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहा है। चोरी लुटां दीआं वारदातां विच इजाफा हुंदा नजर आ रहा है। अजिहा एक मामला लुधियाणा तो सामने आया है। पुलिस ने दो स्नैचरां नूं काबू कीता है। मुलजम कोलों करीब अद्धी दर्जन मोबाइल फोन ते एक मोटरसाइकिल बरामद होया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके अगलेरी जांच शुरू कर दित्ती है। मोबाइल बरामद होए ने ते मोटरसाइकिल भी मुलजमां कोलों बरामद हुई है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दित्ती है। ये दो मुलजम फड़े गए ने। चोरी दीआं वारदातां सूबे विच लगातार वध रहीआं ने ते इन्हां कोलों मोबाइल फोन ते मोटरसाइकिल बरामद की गई है। लुधियाणा दीआं ये तस्वीरां ने लुधियाणा विच दो स्नैचरां नूं काबू करन विच पुलिस नूं सफलता हासिल हुई है। इन्हां कोलों 6 मोबाइल फोन ते एक मोटरसाइकिल बरामद होया है। फिलहाल पुलिस अगलेरी कार्रवाई कर रही है, इन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। 6 मोबाइल फोन इन्हां कोलों बरामद होए ने ते एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पुछगिछ दौरान होर खुलासे होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। लुधियाणा दीआं तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हां, लुधियाणा दा यह मामला जिथे दो स्नैचरां नूं काबू कीता है पुलिस ने। दो स्नैचर जो सग्गू चौंक मुख बरखास्त की इतलाह ते असीं सग्गू चौंक तो फड़े ने, अपने स्पलेंडर मोटरसाइकिल रंग काले ते आ रहे सीगे, जिन्हां पासों असीं दो मोबाइल फोन रिकवर कीते आ मौके तों, ते बाकी दौराने रिमांड इन्हां ने मन्निया बाकी होर वारदातां बारे, जिन्हां पासों असीं वख वख कंपनियां दे 5 मोबाइल फोन ते 2 पर्स ते 2 जो पर्स विच जो इन्हां ने खोह कीती सीगी सोने की मंगलसूत्र ते ब्रेसलेट बरामद होई। ये घट्टो घट 6-7 वारदातां मन्ने ने, बाकी रिमांड लिया होर पुछ गिछ। दो एक राजन है जो राजन बस्ती जोधेवाल का रहने वाला, तो एक अमन है मुंडा जो हरगोबिंदपुरा है बोलता रहने वाला।
दोनों कट्ठे दोस्त है जो नशे के आदि है, जो नशे की जो तोड़ लगती है, नशे की पूर्ति स्नैचिंग करते हैं। बाइक अपनी है ना, जिहड़ा राजन है मुंडा, उहदे फादर जसपाल दे नाम ते है। क्रिकेटर सुरेश रैणा दे रिश्तेदारां दे कतल मामले विच पुलिस ने एक होर मुलजम नूं बरेली तो गिरफ्तार किया है। पिछले साल एक कतल होया सी, 10 मुलजमां नूं पुलिस पहला ही गिरफ्तार कर चुकी है। कुल 14 लोगों ते मामला दर्ज होया है, बाकी मुलजमां दी पुलिस भाल कर रही है। दस दईए पिछले साल घर वड़ के एक कतल कर दिता गया सी। क्रिकेटर सुरेश रैणा दे रिश्तेदारां दे कतल मामले विच एक होर गिरफ्तारी हुई है। ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜੀਕਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਖੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 10 ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 11ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਰਜੂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਫਰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿਆ। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे जिहे ब्रेक दे लई, खबरां दा सिलसिला लगातार जारी है।